हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज हम फिर से एक और कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं, जिसका टॉपिक रहेगा कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंड गाइज, ये जनरल रीडिंग है, सभी से रेजोनेट ना हो, सो जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो आप उतने लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे हैं तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी इसे देख सकता है। आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए इस वक्त, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ताकि हम उनकी एनर्जी को पिक कर पाए। देखते हैं इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए दोनों कार्ड लेते हैं, क्वीन ऑफ कप्स, द टावर, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, टू ऑफ कप्स। होप आप सभी को कार्ड्स क्लियर दिख रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इनको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, King of Swords, Eight of Wands. Bottom of the deck we have Nine of Wands. वैसे साइंस स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है ये, सो फिर भी अगर आपको साइंस जानने हैं तो मैं बता दूँ, यहाँ पे ऑल साइंस रिप्रेजेंट हो रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, अर्थ साइन नहीं है यहाँ, बाकी सब साइन है, अर्थ साइन नहीं। चलिए ठीक है। सो आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? आपके पार्टनर आपको बहुत बहुत मिस कर रहे हैं, और वो भी बहुत पॉजिटिव वे में। आपके पार्टनर आपकी केयर को मिस कर रहे हैं। आपके पार्टनर जो कि एक जो क्वीन, जो कि कप्स की क्वीन है, जो इमोशंस की क्वीन है, जो कि आप है, नो मैटर आप लड़का हैं या लड़की हैं, बट यहाँ पे एक एनर्जी आई है जो कि इमोशंस के किंग या क्वीन है, जो बहुत ही एक इमोशनल पर्सन है, जो कि बहुत दिल के साफ हैं, जो कि मेरे व्यूवर्स हैं। आपकी आपकी जो केयर जो आपने इनको प्रोवाइड की थी इन पास्ट, आपने जो लव, जो ट्रू लव इनको आपने दिया था, वो केयर, वो लव, वो बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत से लोग यहाँ पे 90% लोग नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं, सो आपके पार्टनर बहुत मिस कर रहे हैं आपको, आपके लव को, आपकी केयर को बहुत मिस कर रहे हैं। और ये चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि ये किस तरह आपको अप्रोच कर, ये प्लान कर रहे हैं कि किस तरह ये आपके पास वापस आ सके। ये आपको इमेजिन करते हैं कि जैसे आप इन्हीं के पास ही हैं,
जब ये रात में सोते हैं तो इनको ऐसा फील होता है जैसे आप उनके साथ हैं, आप उनके बगल में सो रहे हैं, और इनको थोड़ा अच्छा फील भी होता है। लेकिन जैसे ही ये रियलिटी में आते हैं, जैसे ही इनको लगता है कि आप उनसे दूर हैं, तो ये बहुत दुखी होते हैं। बट ये आपके ड्रीम ले रहे हैं, जो मेरे व्यूअर हैं, आपके पार्टनर आपके ड्रीम लेते हैं। एक मैसेज ये भी आया है कि हो सकता है आप इनके ड्रीम्स में आते हैं। आपके पार्टनर इमोशनली बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया है अभी रिसेंटली पास्ट में कि जिसने इनकी आत्मा को हिला के रख दिया। मैं ये यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी, एक स्पेसिफिक सिचुएशन नहीं बताऊँगी कि हाँ फिजिकल लेवल पे इनको हिलाया है या फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड है, नहीं। ये जो मोमेंट इनकी लाइफ में आया है, इसने इनकी आत्मा तक को हिला के रख दिया है। आई डोंट नो ये मोमेंट क्या है इनकी लाइफ में, बट ये एक ऐसा मोमेंट था जो कि आपसे रिलेटेड है। इतना मैं आपको बोल सकती हूँ क्लियरली कि ये जो भी मोमेंट इनकी लाइफ में आया है, मे बी आप इनको छोड़ के चले गए जिसकी वजह से ये आइसोलेट हो गए, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी सोल से कनेक्ट किया है, अपने अंदर के इमोशंस को फील किया है। जब तक आप इनके साथ थे, ये अपने इमोशंस से अटैच नहीं थे, तब तक ये सिर्फ अपने अपनी फीलिंग्स को सरफेस पे ही डील कर रहे थे। लेकिन अभी ये डीप डाउन खुद को फील कर पा रहे हैं, अपने फीलिंग्स को फील कर पा रहे हैं, और ये हुआ है इस टावर मोमेंट के कारण। कुछ तो इनकी लाइफ में ऐसा घटा है आपके जाने के बाद, सडन इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, या तो सडनली आप इनको छोड़ के चले गए, आपका ब्रेकअप हो गया, कोई भी सिचुएशन रही हो इन पास्ट। सो वो एक मोमेंट ऐसा था जहाँ पे इनको एक धक्का सा लगा, और जैसे इनको लगा जैसे इनकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई है आपके जाने के बाद, जैसे इनके पास अभी कुछ रहा ही नहीं है, और ये इतना डीप चले गए अपने इमोशंस के साथ कि इन्होंने आपको जो पास्ट में आपको फील नहीं किया था, जिस डीप लेवल पे इन्होंने आपको फील नहीं किया था, अभी ये फील करने लगे हैं आपको। आप सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वाला कार्ड भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि आप सोलमेट जर्नी में हैं, और यहाँ पे किंग एंड क्वीन, क्वीन ऑफ कप्स भी हमें बता रहे हैं कि या तो आप सोलमेट जर्नी में हैं, और बहुत कम लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। सो आपके पार्टनर इस वक्त एक पीस लाना चाहते हैं इस रिश्ते में, चाहे वो बोलते हैं ना, या तो प्यार से सही, वरना साम दाम दंड भेद वाली नीति अपना के, बट इनको पीस चाहिए, इस रिलेशनशिप में पीस चाहिए। ये खुश नहीं है अपनी लाइफ में, ये कुछ प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने का, और ये जो प्लान है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ एक प्लान बना लिया कि हाँ मैं ऐसे करूँगा या फिर ऐसे करूँगी इसके लाइफ में मेरे को एंटर होना है, तो नहीं, बहुत से ऑप्शंस इनके पास है कि अगर ऐसे करूँगा, अगर ऐसे वर्क किया तो ठीक है, वरना ऐसे करूँगा। चाहे आपको थोड़ा मैनिपुलेट भी करें, आपको ये मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी ऐसी है, ये आपके पार्टनर आपको थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं, थोड़ा झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये जो झूठ होगा ना, ये इनका इंटेंशन पॉजिटिव होगा, बस ये नेगेटिव वे अपना रहे हैं आपको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोन है अपनी लाइफ में। इनको वो पीस नहीं मिल रही जब जो पीस आप इनकी लाइफ में थे तब थी इनके पास। सो वो पीस मिस हो रही है इनकी लाइफ में, और अभी वो पीस चाहिए, चाहे कैसे भी है, और वो इनको आपके थ्रू ही मिल सकती है। मे बी पास्ट में आप दोनों का झगड़ा हुआ है, रिसेंट पास्ट में आप दोनों का बहुत झगड़ा हुआ है, और इस झगड़े में कुछ बाहर के लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इंटरफेरेंस है रहा है इस रिलेशनशिप में बाहर के लोगों का। मे बी आपके पार्टनर इन्फ्लुएंस हुए हैं बाकी लोगों से, इन्होंने दूसरों की बातों में आके आपको जज किया, और ऐसे सिचुएशन में ला के खड़ा कर दिया आपको जो इनको नहीं करना था, बट अभी इनको रियलाइज़ है कि इन्होंने कहाँ मिस्टेक की है। अभी
पास्ट में जो भी झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच, आपके पार्टनर ने आपको जो कुछ भी कहा है, बुरा भला कुछ भी कहा है, बट उसको लेके ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। रात रात भर आपके बारे में सोचते हैं, प्लान करते हैं कि आपके पास कैसे आए, किस मुँह से आए। हाँ, ये वाली बात मैं ज़रूर कहूँगी क्योंकि यहाँ पे रिग्रेट बहुत ज़्यादा है। आना चाहते हैं बट सोचते हैं कि किस मुँह से आए, अभी ये मुँह दिखाने लायक भी नहीं है, ऐसा इन्हें लग रहा है, ऐसा ये फील कर रहे हैं कि अभी ये अपना मुँह दिखाने लायक भी नहीं है आपको, और ये आपकी तरफ कैसे है, लेकिन आना ज़रूर चाहते हैं। मे बी ये नाइट में जब पास्ट के झगड़े को याद करते हैं तो ये रोते भी हैं, बहुत ज़्यादा रोते। ये ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, आपसे मिलने की सोच रहे हैं, ये सिर्फ बात सिर्फ कम्युनिकेशन की नहीं है, ये ट्रैवल की सोच रहे हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं, ये आपसे मिल के फेस टू फेस बात करना चाहते हैं। मे बी ये उन लोगों में से हैं जो सिर्फ जो कॉल पे आप बात करने के बजाय फेस टू फेस बात करना पसंद करते हैं, और बहुत ज़्यादा लॉस्ट वाले फीलिंग्स आ रही है इनको, और इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अभी मुझे आगे बढ़ना है, मैं ज़्यादा अभी स्टक नहीं रह सकता या नहीं रह सकती इस सिचुएशन में। खुद को बहुत अलोन फील कर रहे हैं, बहुत रिग्रेट में हैं, और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप इनकी नज़र में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे एक स्पेसिफिक मैसेज उन लोगों के लिए है, मेरे उन व्यूवर्स के लिए है जो जो कि अगर आप ट्राई कर रहे थे प्रेगनेंसी के लिए, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। इट्स अ बिग यस। आपको अगर प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम हो रही थी और आप ट्राई कर रहे थे, तो अभी पॉजिटिव होने वाला है आपकी लाइफ में इस मैटर को लेके, इस मैटर में, ठीक है। आपके पार्टनर आपको बहुत ही खूबसूरत देखते हैं, एक ऐसी क्वीन देखते हैं जो जिसमें कोई कमी नहीं है, जो दिखने में भी बहुत खूबसूरत है, जो माइंड से भी बहुत शार्प है, ब्यूटी विद ब्रेन वाली एनर्जी में आपको देख रहे हैं। सो अभी मैं ब्यूटी विद ब्रेन बोल रही थी तो मैं अटकी इसलिए क्योंकि मेरे मुँह से वो निकल रहा था, वो जो वाली मूवी है ना, ब्यूटी एंड द बीस्ट, इसलिए। अच्छा, तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर भी कर रहे हैं। आप जैसा इंसान इनकी लाइफ में कभी नहीं आया और ना कभी आ सकता है, इनको अच्छे से एहसास है। आपको वो मैरिज मटेरियल समझते हैं, वो आपको एज अ हस्बैंड और एज अ वाइफ देखते हैं। वो भले ही आप दोनों एक दूसरे से मैरिड हो या ना हो, बट वो आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं, वो आपको एज अ हस्बैंड ऑलरेडी एज अ हस्बैंड और एज अ वाइफ देखते हैं, वो आपको अपना काउंटर पार्ट समझते हैं। और इनको अच्छे से पता है कि अगर इनका लाइफ पार्टनर कोई बन सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। दोनों तरफ के इमोशंस यहाँ पे म्यूचुअल हैं। मैं यहाँ ये नहीं कह सकती कि आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं इनको लेके या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आपको लेके, नो, यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। आप जितना इनको लेके फील कर रहे हैं उतना ही आपके पार्टनर भी आपको लेके फील कर रहे हैं। जितना लव आप इनको करते हैं उतना ही आपके पार्टनर भी आपसे करते हैं। दोनों का लव जेन्युइन है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत लव करते हैं, जेन्युइन लव करते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को लव ऑफर करना चाहते हैं, आप भी इनसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपके पार्टनर भी आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं। आप दोनों एक, मैं एक के लिए नहीं कहूँगी, आपके पार्टनर तो तड़प ही रहे हैं आपसे बात करने के लिए, बहुत ज़्यादा बेचैन है आपसे बात करने के लिए, आपकी आवाज़ सुनने के लिए, बट आप भी बहुत बेचैन हैं उनसे बात करने के लिए, उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए। यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी आई है व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि बताता है कि लक आपके साइड है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड हमें ये बता रहा है कि बहुत जल्द एक न्यू साइकिल आप दोनों के बीच स्टार्ट होने वाली है। सी, इसके जस्ट नीचे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि न्यू बिगनिंग बताता है। अभी मैं कितने कार्ड्स निकालूँ, यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स जो कि बता रहा है सक्सेस को। सो आप इस रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपके पार्टनर की तरफ से आपको इस रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट मिलने वाला है। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है और उन्होंने डिसाइड कर लिया है आपकी तरफ आगे बढ़ने का, और एक न्यू साइकिल आप दोनों के बीच स्टार्ट होगी। आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये बताता है कि चाहे आप चाहो या ना चाहो, चाहे आपके पार्टनर चाहे या ना चाहे,
फिर भी आप दोनों के बीच एक न्यू साइकिल तो स्टार्ट होनी ही है। अभी एक साइकिल डन हुई है आप दोनों के बीच और एक न्यू साइकिल अभी स्टार्ट होने वाली है। बट उनको कहीं ना कहीं एक डर है कि कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, कहीं आपने आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ तो नहीं गए, कहीं आप इनको रिजेक्ट कर दो। बहुत से फियर इनके अंदर चल रहे हैं जिससे ये बढ़ते तो हैं आगे लेकिन फिर वही रुक जाते हैं और फिर दूर से आपको देखने लगते हैं, मे बी आपको स्टॉप भी करते हैं। अभी कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी हमें इनके फीलिंग्स आपको लेके क्या है। यू आर ब्यूटिफुल इनसाइड एंड आउट। मैंने अभी आपसे क्या कहा था, आप इनको बहुत ब्यूटीफुल लगते हो और आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो भी और आप इनसाइड भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। टिल माई लास्ट डे आई बी लविंग यू। सो अपनी लाइफ के लास्ट डे तक ये आपसे यूं ही प्यार करते रहे। आई कांट इमेजिन लाइफ विदाउट यू। ये सोच भी नहीं सकते आपके बिना अपनी लाइफ को। आपको ऑलरेडी एज अ हस्बैंड और एज अ वाइफ देखते हैं, अपना काउंटर पार्ट देखते हैं और ये सोच भी नहीं सकते कि आपकी इनकी लाइफ आपके बिना। सॉरी प्लीज गिव मी अ चांस। डेफिनेटली इनको रिग्रेट है पास्ट के किसी एक्शंस को, पास्ट के कुछ एक्शंस को लेके ये रिग्रेट में है और अपसेट भी हैं, आपसे सॉरी भी हैं और चाहते हैं कि आप इनको एक चांस और दें। थैंक यू फॉर लविंग मी। सो मैंने कहा था आपके जितना लव, आपकी लव आपके केयर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके जितना लव इनको किसी ने नहीं किया। ये थैंक यू बोल रहे हैं, बहुत ग्रेटफुल हैं कि आपने इनको इतना जेन्युइन लव दिया, इतनी केयर दी, आपने इनसे इतना प्यार किया। आई एम लक्की टू हैव यू इन माई लाइफ। ये खुद को बहुत लकी समझते हैं। मैंने कहा ना आपके जैसा पार्टनर की लाइफ में अभी तक नहीं आया। आप इनके लिए सब कुछ हैं, सब कुछ। आपकी जगह इनकी लाइफ में कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। नोबडी कैन रिप्लेस यू इन देयर लाइफ, इन देयर हार्ट। एंड वाओ, वी आर सोलमेट्स। अभी इससे ज्यादा क्या बोलूं कि इनकी लाइफ में आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इनके हार्ट, माइंड, सोल में बस आप ही हो। वी आर सोलमेट्स। यहाँ पे भी सोलमेट की एनर्जी आई थी और मैंने बोला था बहुत से लोग यहाँ पे सोलमेट एनर्जी में हैं, सॉरी सोलमेट जर्नी में हैं और ये एनर्जी यहाँ भी आई है। वी आर सोलमेट्स। तो आपके पार्टनर को एहसास है कि ये रिलेशनशिप कुछ ऐसा नॉर्मल नहीं है, कैजुअल नहीं है, बहुत ही स्पेसिफिक है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है। सो आपके पार्टनर को एहसास है कि ये जो रिलेशनशिप है ये डिवाइन गाइडेड है, भगवान ने इनको दिया है आपको एज अ गिफ्ट और बहुत लकी फील करते हैं कि आप उनकी लाइफ में आए। सो ये थी छोटी सी रीडिंग आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स को लेके। अगर आपसे रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे और वीडियोस के लिए, और आप मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको रीडिंग कैसी लगी, कितना आपसे रेजोनेट हुई और किस टॉपिक पर आपको रीडिंग चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हैं। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर किसी को ज़रूरत है इस रीडिंग की तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, फेथ रखिएगा। सब एक दिन परफेक्ट टाइम पे, डिवाइन टाइम पे सब कुछ ठीक होना ही है। सो ज़्यादा आप बर्डन ना लें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट कर पाएंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय सियाराम।